हेलो एवरीवन, फिज़ा मेरे लिए सबील लेकर आई है और दूध की सबील है और बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि छठे मुहर्रम में जब ये सबील बनाते हैं हमारे मेरे हस्बैंड तो ये इतनी अच्छी होती है कि लोग हमसे पूछ के जाते हैं कि ये कब बनेगी भाई, दोबारा कब बनेगी। तो हम 6 मुहर्रम को ही बनाते हैं बहरहाल, तो ये इतनी अच्छी और इतनी यम्मी लग रही है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और इसमें हम बिल्कुल पानी नहीं डालते, बिल्कुल भी नहीं डालते। देखें कितनी अच्छी लग रही है, ये देखें पिज़्ज़ा पी रही है अब। पिज़्ज़ा कैसा बना है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलें मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये सबील पे मेरा बेटा खड़ा हुआ है, छोटा बेटा मेरा हुसैन। तो आप ये देख सकते हैं कि इतने यम्मी मसर चावल मैंने रात में बनाए थे। तो अब मैं लंच करने लगी हूँ। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मेरे बेटे और हस्बैंड तो नीचे हैं और वो दोनों बेटियाँ कार्टून देख रही हैं, सबील पी कर आई हूँ। और ये अचार इतना यम्मी है बिकॉज़ ये मेरे फादर ने बनाया है घर में, बहुत अच्छा और यम्मी अचार है। तो फिर क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों धो रहे हैं जिसमें सबील बनती है। एवरीवन, ये आप देख सकते हैं कि ये लड़का हर वक्त पबजी खेलता रहता है। ये मेरा छोटा बेटा हुसैन, क्या कर रहे हो? पबजी खेल रहे हो? मेरे बेटे का भी यूट्यूब चैनल है और पबजी का है चैनल उसका। और हम आपको दिखाते हैं कि क्या पका रहे हैं हम। और ये कढ़ाई बन रही है, आज बहुत लेट हो गए क्योंकि नीचे सबील लगी हुई थी, उसकी वजह से हुसैन पैसे लेकर गया, भूल ही गया। तो कढ़ाई पक रही है, जब पकेगी तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। और ये जो कढ़ाई है ये सिर्फ टमाटर की कढ़ाई है। और ये मेरी कढ़ाई मेरी बड़ी बेटी को भी बनानी आती है, मैंने उसको भी सिखाई हुई है बनाना। ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ओनली 5 मिनट्स चाहिए मुझे इसको बनाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैं खाने में बहुत ऑयल डालती हूँ बिकॉज़ बहुत अच्छा खाना बनता है। ये मेरा रेडी हो गया, अब हम इसको 5 मिनट भी नहीं, 2 या 3 मिनट बस इसको दम पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए। फिजा सकीना हाय कर दो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।